पता आपको वैलोरेंट क्रिकेट से भी बड़ा होने वाला है। क्यों? चौंक गए? सेंटिनल्स और जेनजी का मास्टर्स मैड्रिड फाइनल रिकॉर्ड तोड़ चुका है। दुनिया भर में 16 लाख लोगों ने इसे लाइव देखा। शायद आपने वो मैच ऑलरेडी देख लिया है और वैलोरेंट आपको पसंद है। मे बी नहीं देखा, शायद आप सिर्फ एक कैजुअल प्लेयर हो और कभी कभार अपने गेम्स में अतरंगी स्किन्स देख के सोच रहे होगे, यार ये आखिर है क्या। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कभी वैलोरेंट खेला ही नहीं। आपका जो भी सीन है वैलोरेंट में दिलचस्पी है तो वीडियो आपके लिए पूरा वैलोरेंट का इकोसिस्टम समझाएगा। आखिर ये गेम देखने में इतना मजेदार है क्यों, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप इसमें कैसे घुस सकते हो। अगर आपने इससे पहले वैलोरेंट नहीं खेला तो ई स्पोर्ट्स में घुसने से पहले गेम ट्राई करना पड़ेगा, है ना। एजेंट्स कैसे काम करते हैं, मैप्स कौन से हैं, गेम प्ले कैसा है इसका, भाई क्या क्या मैकेनिक्स है, ये सब एक्सपीरियंस करना बनता है। वैलोरेंट पहले खेला है तो उसका ई स्पोर्ट्स सीन भी एक हद तक सेम ही है। वैलोरेंट में जीतने के लिए आपको अपने ओपोनेंट से पहले 13 राउंड जीतने पड़ेंगे। हर टीम अटैक और डिफेंस दोनों में 12-12 राउंड खेलेंगे। अगर इन 24 राउंड्स के बाद स्कोर 12-12 ही पहुंचे तो गेम ओवर टाइम में चला जाता है, और इधर से जो भी टीम 2 राउंड की लीड लेती है वो गेम जीत जाती है। यूजुअली सारे वैलोरेंट ईस्पोर्ट्स मैचेस बेस्ट ऑफ 3 होते हैं, यानी कि 3 मैच खेलने का पोटेंशियल है। जो भी टीम पहले 2 मैच जीते वो सीरीज जीत जाती है। बड़े बड़े इवेंट्स के फाइनल्स में गेम्स बेस्ट ऑफ 3 के बजाय बेस्ट ऑफ 5 हो जाते हैं। हर गेम के शुरू होने से पहले एक पिक बैन का सिस्टम होता है, जिससे दोनों टीम्स पहले एक एक मैप बैन करते हैं, फिर एक एक मैप चुनते हैं, और तीसरा वाला रैंडम चॉइस हो जाता है। ये था गेम का सेटअप। अब बात करते हैं VCT के बारे में। VCT यानी के वैलोरेंट चैंपियन स्टोर। ये वैलोरेंट का ई-स्पोर्ट्स सिस्टम है, साल भर चलता है और दुनिया के बेस्ट टीम्स इसमें खेलते हैं। ये प्रो प्लेयर्स के लिए एक अल्टीमेट प्लेटफॉर्म है, क्रिकेट के कंपैरिजन में बिल्कुल IPL की तरह। इसमें 2 टियर होते हैं, Tier 1 जिसमें दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स और टीम्स खेलते हैं, और Tier 2 जिसमें प्लेयर्स और टीम्स Tier 1 में घुसने के लिए लड़ते हैं। इस वीडियो में हम ज्यादातर Tier 1 की ही बातें करेंगे, क्योंकि जब लोग VCT की बात करते हैं Tier 1 की ही बात चल रही होती है। VCT सीजन में 3 मेजर इवेंट्स हुआ करते हैं, जिसमें हर रीजन के टीम्स लड़ते हैं एक चैंपियन ढूंढने के लिए। इनमें से पहले 2 इवेंट्स वैलोरेंट मास्टर्स हैं, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जो हमें दिखाता है कि वैलोरेंट सीन के बेस्ट टीम्स कौन से हैं। आखिर इन इवेंट्स में यूजुअली 8-12 टीमें खेलती है, और ये अलग अलग देशों में अलग अलग शहरों में होस्ट होते हैं। हाल ही में सेंटिनल्स ने जेनजी को हराया मास्टर्स मैड्रिड जीत के, जो मार्च के महीने में स्पेन में कंडक्ट हुआ। अब मई में फिर से मास्टर्स आ रहा है शंघाई में। ये इवेंट्स के साथ इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइंस और राइवलरीज भी बिल्डअप होने लगते हैं इन टॉप टीम्स के बीच में, जो दुनिया भर की ऑडियंस बहुत बहुत क्लोजली देखती है। अगर आपको वैलोरेंट सिर्फ कैजुअली फॉलो करना है तो वैलोरेंट मास्टर्स आपके लिए सही रहेगा। इन मास्टर्स इवेंट्स के अलावा एक और बहुत ही मेजर इवेंट है जो सीजन के एंड में आता है, वैलोरेंट चैंपियंस। वैलोरेंट चैंपियंस वैलोरेंट के इकोसिस्टम का वर्ल्ड चैंपियनशिप है। इतिहास के पन्नों पे रचने वाले स्टोरी लाइंस बनते हैं इधर। सबसे हाईएस्ट लेवल पे होते हैं इनके मैचेस। 16 टीमें एक पैक्ड लैन ऑडियंस के सामने अपना बेस्ट देते हैं, और इन इवेंट्स के साथ हर साल नए लिमिटेड एडिशन चैंपियन स्किन्स भी लॉन्च होते हैं और नया एंथम भी आता है। 2023 का चैंपियंस इवेंट लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में होस्ट हुआ था, जहां नॉर्थ अमेरिका के इविल जीनियसेस ने 15,000 लोगों के सामने सिंगापुर के पेपर एक्स को हराया। 2024 में चैंपियंस अगस्त में ईस्पोर्ट्स के मेक्का साउथ कोरिया में होस्ट होने वाला है, और हमारी टीम ग्लोबल ईस्पोर्ट्स भी पूरी कोशिश करेगी चैंपियंस पहुंचने के लिए। आखिर डिसाइड होता कैसे है कि कौन सी टीम्स चैंपियंस और मास्टर्स जैसे इवेंट्स में खेलेंगी? VCT में 4 इंटरनेशनल लीग्स होते हैं, अमेरिकाज जो के है नॉर्थ और साउथ अमेरिका, EMEA जो है यूरोप, मिडल ईस्ट और अफ्रीका, और पैसिफिक जिसमें है एशिया के बाकी सारे रीजन्स इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना जो है वेल चाइना। हर लीग
एक रीजनल क्वालिफायर्स कॉम्पिटिशन है जिसमें टीम्स मास्टर्स और चैंपियंस पहुंचने के लिए भाग लेते हैं, अपने रीजन को ग्लोबल स्टेज पर रिप्रेजेंट करने के लिए इन इवेंट्स में खेलते हैं। इन लीग्स का फॉर्मेट हर साल बदलते रहता है, लेकिन ज्यादातर इसमें साल भर में दो स्प्लिट्स होते हैं जिसमें हर टीम हफ्ते में एक या दो गेम खेलती है। इन स्प्लिट्स के टॉप टीम्स फिर प्लेऑफ्स में जाते हैं जो हाई स्टेक्स मैचेस होते हैं, और इनमें से टॉप थ्री आने वाली टीम्स मास्टर्स और चैंपियंस जैसे ग्लोबल इवेंट्स में क्वालिफाई होते हैं। अब ये टीम्स है कौन सी और इन्हें चूज करने का क्या क्राइटेरिया है, ये लीग्स में कैसे खेलते हैं? राइट गेम्स चूज करता है ने 2023 में उन्होंने VCT को एक फ्रेंचाइज सिस्टम बना दिया और उन्होंने दुनिया भर से सबसे बेस्ट हैंड सेलेक्टेड ऑग्स को चुना इन लीग्स का हिस्सा बनने के लिए। उनका थॉट प्रोसेस ये है कि टीम्स उनकी मदद करेंगे VCT को ग्रो करने के लिए। राइट गेम्स सिर्फ इन टीम्स को मौका ही नहीं देता, इन्हें सपोर्ट करता है, इन्हें पैसे भी देता है इन कॉम्पिटिशन में भाग लेने के लिए। और आपने कभी प्रो वैलोरेंट देखा है तो ग्लोबली स्पोर्ट्स के बारे में तो जानते ही होंगे। इंडिया की इकलौती टीम जो VCT का हिस्सा है। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स ने 2021 और 2022 में ढेर सारे वैलोरेंट इवेंट्स जीते। ग्रासरूट सीन को ग्रो करने की कोशिश में ढेर सारे थर्ड पार्टी इवेंट्स भी होस्ट किए। इनफैक्ट जब वैलोरेंट का बेटा आया तब से उन्होंने अपने सारे एथलीट्स को वैलोरेंट ट्राई करवाया। राइट गेम्स ऐसी टीम्स को आइडेंटिफाई करके अपने VCT इकोसिस्टम का हिस्सा बनाती है। शायद आपने SK रॉसी और लाइटनिंग फास्ट जैसे एथलीट्स का नाम सुना होगा जिन्होंने अपने देश, अपने रीजन, अपने और ग्लोबली स्पोर्ट्स को VCT में रिप्रेजेंट किया। ये वैलोरेंट एथलीट्स इंडिया से उभर के अब VCT के पैसिफिक लीग में भाग ले चुके हैं। वैसे चार अलग रीजन्स के लीग्स हैं, अमेरिकाज जिसमें टेंस ये जोगमो जैसे क्रैक टेमर्स भरे पड़े हैं, ढेर सारा ड्रामा भी है, ट्रैश टॉक भी है, डीप स्टोरी लाइन से भरा हुआ लीग है नॉर्थ अमेरिका, या फिर EMEA जहां के प्लेयर्स अपने स्ट्रैटेजी के लिए माने जाते हैं, जिनकी टीम्स के फैन बेसिस सबसे पैशनेट कहलाते हैं, फनाटिक, लिक्विड, कामाइनको और कॉय जैसे ऑग्स, या फिर पैसिफिक जिन्होंने अभी तक वो इंटरनेशनल ट्रॉफी नहीं उठाई लेकिन फिर भी सबसे एंटरटेनिंग मैचेस पैसिफिक से ही निकलते हैं, या फिर चाइना जो इस साल VCT का हिस्सा बने जहां कैंग कैंग जैसे प्लेयर्स, भाई इनके मैकेनिकल स्किल्स ने पूरी स्पोर्ट्स की दुनिया को चौंका दिया। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, होम रीजन का लीग देख सकते हो, कंपैरिजन में दूसरे रीजन के लीग्स भी काफी मजेदार हैं, ये सब देख सकते हो। लेकिन ये आसान नहीं है क्योंकि स्केड्यूल बड़ा इंटेंस है, लेकिन कुछ लोग ये भी कर लेते हैं आसानी से। अगर आप कोई स्पेसिफिक टीम को सपोर्ट करना चाहते हो आप सिर्फ उनके मैचेस देख सकते हो, और अगर आप इंडिया को सपोर्ट करना चाहते हो तो ग्लोबली स्पोर्ट्स VCT पैसिफिक का हिस्सा है और हम अपने सारे मैचेस के लिए देश भर में व्यू पार्टीज भी होस्ट करते हैं जहां आप ही की तरह ढेर सारे फैंस जमा होते हैं एक साथ VCT देखने के लिए। इन व्यू पार्टीज का मजा ही कुछ अलग है क्योंकि यहां ढेर सारे क्रिएटर्स, एथलीट्स, ऑग ओनर्स, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स, यहां तक के ई-स्पोर्ट्स से जुड़ा हर पैशनेट बंदा आपको इन्हीं व्यू पार्टीज पे मिलेगा। इन्हें फेस टू फेस मिलने का मौका, इनसे बातचीत करके इंटरैक्ट करने का मौका, तो ये व्यू पार्टीज सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है नेटवर्क करने के लिए। इस साल स्प्लिट वन के मैचेस के लिए हमने पुणे, दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई जैसे शहरों में व्यू पार्टीज होस्ट किए, और स्प्लिट टू और बाकी के साल के लिए ढेर सारे और व्यू पार्टीज प्लान्ड है। हमारे सोशल्स पे इनके स्केड्यूल्स आते रहेंगे तो फॉलो जरूर कर लेना। और यहां शुरू होता है टियर टू का सफर। टियर टू वैलोरेंट काफी कॉम्प्लिकेटेड है तो इस वीडियो में टियर टू में ज्यादा नहीं घुसेंगे। दुनिया भर में 20 से ज्यादा वैलोरेंट लीग्स है और 200 से ज्यादा टीम्स जो टियर टू वैलोरेंट में भाग लेती है ताकि वो अपने रीजन को असेंशन तक पहुंचा सके। असेंशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे जीत के कोई भी टियर टू टीम टियर वन में घुस सकता है। हर मेजर रीजन नॉर्थ अमेरिका, EMEA, पैसिफिक, चाइना खुद के असेंशन हो चुके हैं। जो भी इन्हें जीतेगा वो टियर वन में अपनी जगह बना लेगा। बेसिकली ये एक प्रमोशन सिस्टम है जहां हर साल इन इंटरनेशनल लीग्स में एक नई टीम ऐड हो जाएगी।
2023 में द गार्ड असेंशन जीते बीसीटी नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा बन के G2 के नाम से आए बीसीटी के अंदर। जेंटलमेट्स असेंशन जीत के बीसीटी ईएमईए का हिस्सा बने और ब्लीड असेंशन जीत के बीसीटी पैसिफिक का हिस्सा बने। इस साल चैंपियंस खत्म हो जाने के बाद एक नया असेंशन शुरू होगा और फिर एक बार चार टीमों को मौका मिलेगा बीसीटी इंटरनेशनल लीग का हिस्सा बनने का। शायद आपने प्रीमियर के बारे में तो सुना ही होगा। प्रीमियर वैलोरेंट का इन गेम टूर्नामेंट क्लाइंट है जिसमें खेल के आप भी टियर 2 सीन में घुस सकते हो। अगर आपकी टीम ने प्रीमियर जीता तो टियर 2 आपके लिए अगली पीढ़ी बन जाता है और टियर 2 में जीता तो सीधा असेंशन आपके लिए अगली पीढ़ी बन जाता है और अगर आप उधर भी बहुत अच्छा खेले तो वहां से सीधा बीसीटी इंटरनेशनल लीग। राय गेम्स ने तो एक सीडी का सिस्टम बनाया है ताकि कोई भी एक कैजुअल प्लेयर से प्रो प्लेयर बन सके और उसके सामने एक प्रो प्लेयर बनने का रास्ता क्लियरली दिखे। इनफैक्ट उन्होंने तो अपने गेम्स में भी प्रीमियर ई स्पोर्ट्स हब जैसे टूल्स ऐड किए हैं इजी करने के लिए, वैलोरेंट ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। यहां तक कि बीसीटी के टीम बंडल्स के लिए भी एक डेडिकेटेड पेज है वैलोरेंट के क्लाइंट के अंदर, जहां से आप अपने फेवरेट टीम को रिप्रेजेंट कर सकते हो, उनके बंडल्स, उनके स्किन्स खरीद सकते हो। याद है वीडियो के शुरुआत में मैंने इन स्किन्स की बात की थी। हर टीम जो इन इंटरनेशनल लीग का हिस्सा है उनके खुद के 4 आइटम्स का बंडल गेम के अंदर आ चुका है। एक क्लासिक स्किन, एक प्लेयर कार्ड, एक कस्टम स्प्रे और सबसे प्यारा टीम का खुद का गन बड़ी। शायद आपने इन्हें गेम्स में देखा होगा। इनमें से काफी स्किन्स बहुत प्यारे हैं और इन्हें खरीद के आप अपने फेवरेट टीम को सपोर्ट कर सकते हो। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन स्किन्स से कमाए हुए पैसों का आधा हिस्सा सीधा आपके फेवरेट टीम्स को जाता है। अगर आप सीन को सपोर्ट करना चाहते हो और ग्लोबली स्पोर्ट्स को सपोर्ट करना चाहते हो, जी बंडल जरूर खरीदना आज के आज ही, क्योंकि अगर आप ये बंडल खरीदते हो तो आप सिर्फ जी को ही नहीं बल्कि पूरे वीसीटी इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रहे हो। अगर आपको वीसीटी देखना है और पूरा स्केड्यूल जानना चाहते हो तो गेम के अंदर ई स्पोर्ट्स हब में पूरा स्केड्यूल लिस्ट आउट किया गया है, कौन से रीजन के गेम्स लाइव चल रहे हैं, यहां तक के दुनिया भर के हर टियर 1 मैच का स्केड्यूल आपको इस हब में दिख जाएगा और आप इन पे क्लिक करके डायरेक्टली गेम्स देख सकते हो अपने ब्राउजर पे। लेकिन अगर आपको VCT में और भी इनडेप्थ घुसना है, यानी गेम के स्टैट्स चाहिए, पास्ट रिजल्ट्स देखने हैं, हेड टू हेड चाहिए, प्लेयर स्टैट्स चाहिए, स्कोरबोर्ड चाहिए और टियर 2 रिलेटेड डिटेल्स चाहिए, तो एक ही जगह है जो ये सब आपको दे देगा, VLR.GG, एक बहुत ही सही रिसोर्स, एक ऐसा वेबसाइट जिसमें वैलोरेंट से रिलेटेड सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। इधर एक फोरम भी है जिसमें आप ही की तरह ढेर सारे और वैलोरेंट फैंस रोज अपने फेवरेट गेम्स और सीन्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन VLR फोरम्स को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए क्योंकि काफी टॉक्सिक भी हो सकता है कभी कभी। अगर आपको सीरियस डिस्कशन करना है तो रेडिट यानी कि r/valorantcompetitive एक बहुत ही सही जगह है इसके लिए। और अगर आपको ग्लोबली स्पोर्ट्स के बारे में बात करनी है तो जी डिस्कॉर्ड में आप ही की तरह ढेर सारे वैलोरेंट फैंस हैं जो रोज पैशनेटली लॉबीज बनाते हैं, गेम खेलते हैं एक साथ, गेम्स डिस्कस भी करते हैं और कभी कभार जी की मैनेजमेंट टीम भी यहां हैंग आउट करती है, इंक्लूडिंग मी। अगर आपको वैलोरेंट रिलेटेड न्यूज में दिलचस्पी है तो ई स्पोर्ट्स दिस वीक जैसे चैनल आपको वैलोरेंट की दुनिया से जुड़े हर चीज के बारे में ढेर सारा कॉन्टेंट देंगे, पॉडकास्ट, इंटरव्यूज, वीकली अपडेट्स, बहुत कुछ है। और अगर आपको गेम्स देखने में मजा आता है और वीसीटी कंटेंट को क्लोजली फॉलो करना चाहते हो तो वीसीटी का ढेर सारा कंटेंट एक्चुअली वॉच पार्टी से निकलता है, जहां बड़े बड़े स्ट्रीमर्स बैठ के लाइव अपने कम्युनिटीज के साथ गेम्स देखते हैं। इंडिया से बिंक्स वैलोरेंट के सबसे बड़े को स्ट्रीमर हैं और बिंक्स भाई की स्ट्रीम सबसे मजेदार होती है यार। अगर आप एक कैजुअल फैन हो और वैलोरेंट में घुसने की कोशिश कर रहे हो तो बिंक्स भाई आपके लिए सही जगह है। अगर आपको वैलोरेंट ईस्पोर्ट्स गौर से समझना है तो ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के ओनर डॉक्टर रुशिंद्र सिन्हा भी एक कंटेंट क्रिएटर और स्ट्रीमर हैं जो वैलोरेंट से रिलेटेड ढेर सारे अपडेट शेयर करते हैं और कभी कभी थोड़े लीक्स भी दे देते हैं। हाँ, और अगर आपने वीडियो यहां तक देख ली है, मैं तो 100% श्योर हूं कि आप भी वैलोरेंट से उतना ही जुड़ जाओगे जितना हम जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका वीसीटी की दुनिया में। अगर इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।